नमस्कार। पत्रिका के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी और सहारनपुर में दूसरे चरण में जो चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, यहाँ पर नामांकन होने हैं और आज पहला दिन है 21 जनवरी। तो आज जो नामांकन के लिए जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो अपने पर्चे खरीदने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी तक जो स्थिति है उसके मुताबिक अभी तक 2 कैंडिडेट यहां आए हैं जिन्होंने अपना पर्चा अभी तक खरीद लिया है। उनमें से एक AIIIMK हैं और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन करने के लिए जो पर्चा है वो खरीदा है। तो ये प्रक्रिया आज 3 बजे तक रहेगी और उसके बाद 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। सहारनपुर कलेक्ट्रेट की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्ट्रेट के सभी रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और सभी रास्तों पर फोर्स तैनात किया गया है। ये तीसरा गेट है जहां से चेकिंग के बाद आप फाइनली नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तक पहुंच पाते हैं। पहला जो बैरिकेड है वो मुख्य द्वार पर बनाया गया है, उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड है वो अंदर बनाया गया है और ये फाइनली तीसरा बैरिकेड है जिसको पार करके आपको नामांकन पत्र खरीदने के लिए पहुंचना होगा। तो इस बार जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करना होगा और एक प्रत्याशी के साथ 2 समर्थक अंदर जा सकते हैं, 2 समर्थक उनके साथ जा सकेंगे और उन दोनों को भी कोविड वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। आज से जनपद में नामांकन का उनका कार्य प्रारंभ है और जनपद में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन का कार्य जो है करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जो है यहां पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले से ही बता दिया गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यह आश्वस्त किया है कि वो जो भी व्यवस्था है भारत निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका सभी लोग पालन करेंगे और यहाँ ऐसी कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। तो कोविड को लेकर क्या कुछ है? नहीं, कोविड को उनको लेकर जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि वैक्सीनेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएं और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन कोरोना के संक्रमण को रोकने में बहुत ही कारगर है और इस संबंध में लोगों का सहयोग भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है लगातार।